दोस्तों, क्रॉस ब्रीड सबसे अच्छा क्यों है इस वीडियो में आपको पता चलेगा, क्योंकि जो मेरा बच्चा आए हैं, ब्लैक बंगाल दो बकरियों ने बच्चे दिए हैं और बड़ा हेवी बच्चे दिए हैं और बच्चे में कहीं से कमी नहीं है। एक जो आप काली वाली बच्चे देख रहे हैं, ये बरवरी का बच्चा आया है और ये जो सामने जो देख रहे हैं सफेद वाली बकरी के सामने जो बच्चा देख रहे हैं, ये है मेरा उस्मानाबादी का ब्रीडर से बच्चा आया है। बच्चा बड़ा हेवी आया है और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि क्रॉस ब्रीड पे काम करें, अच्छा हेवी ब्रीडर रखें और साथ में ब्लैक बंगाल जो अपना मतलब क्षेत्रीय बकरी है उस पे काम करें। बच्चे में कहीं से वो कुछ नहीं मतलब कमियां नहीं है और हेवी बच्चे आए हैं और बड़ा आकर्षित है और बॉडी वेट गेन करेंगे। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरी बकरी ने, ये ब्लैक बंगाल बकरी है, इसने एक बच्चा दिया है और जो बच्चा आया है वो सामने जो देख रहे हैं ये फीमेल है। और बच्चा देने के बाद हम लोग क्या क्या और कैसे करते हैं वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। आप भी देख सकते हैं और इस प्रकार कर सकते हैं। जो हम करते हैं वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ हमने क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने ये लाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर जानकारी इसमें देने की हमारी क्या कहते कोशिश रहेगी। अगर कुछ मिस हो जाए तो कोशिश है कि कोई भी कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद उसको कोई ना कोई कपड़े के ऊपर, सूती कपड़ा हो या फिर क्या कहते हैं ये जूट का जो बोरा हो उस पे आप लेटा दे। लेटा देने के बाद बढ़िया से इसको साफ कर दे और बिल्कुल बढ़िया से साफ करें। साफ करने के बाद कोई सूती कपड़ा से भी इसको बढ़िया से साफ करना है, पोछना है, पूरी तरीके से पोछना है, क्योंकि अंदर से मतलब जो आया है तो ये क्या लिक्विड फॉर्म में जो भी इसके पदार्थ रहता है तो उसमें ये क्या हुआ, इसका मतलब शरीर के साथ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मौसम थोड़ा ठंड का मौसम है और रही बात ये है कि इसको ठंड ना लग जाए, इसलिए बिल्कुल साफ करना है, पोछना है। और पोछने के बाद बावजूद इसको मतलब बढ़िया से जो आपका चार खुर होते हैं तो खुर को थोड़ा थोड़ा काटना अनिवार्य है, काटना मतलब तोड़ देना है। तोड़ देने के बाद कहने मतलब ये है इसके मुंह में आपको फूंक देना है। अब फूंकने से क्या होगा कि जो भी मतलब इसका जो गला है वो खुल जाएगा और खुलने के साथ आपको कान में भी फूंक देना है। अब फूंकने से जो भी मतलब गंदगी वगैरह होगा या तो मुंह के द्वारा, नहीं तो पेट में चला जाएगा, नहीं तो मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगा। और ऐसे करने के बावजूद आप इसको मतलब सुरक्षित कर सकते हैं। उसके हम अभी क्या कर रहे हैं कि इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि बाड़े के अंदर बच्चा दे रही थी और जो हमारे यहाँ काम करने आता है आराम में एक लड़का रहता है, वही बताया कि बकरी बच्चा दे रही है सफेद वाली, तो वहीं पे इतनी देर में जब तक हम लोग संभले हैं, ध्यान यहाँ नहीं था, हम लोग दूसरे काम में बिजी थे, तो जब तक संभले तब तक ये बच्चा दे चुकी थी, तो दे चुकी थी, तो इसीलिए हम इसको एक साइड में ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। थोड़ा सा सुबह सुबह का मौसम है, धूप है, तो उसमें ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसके साथ हर चीज मतलब हर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ का देख रेख किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे धूप में ला के हम मतलब मधोसी मतलब मध्यम टाइप का धूप है वो बाहर ले आए हैं और अच्छी तरह पोंछ दिए हैं। और पोंछने के बाद थोड़ा सा भी और माँ को इसको चाटने दे, जितना माँ चाटेगी उतना इसके शरीर में गर्मी प्रदान होगा। और ये जो देख रहे हैं ये अपना जो है लिक्विड फॉर्म में जो डिटोल होता है तो वो डिटोल है। डिटोल से पूरा अगर इसके बदन को पोंछ देंगे तो इसमें होगा क्या कि इसके अंदर जो भी जू चिच्चड़ वगैरह जो लगते हैं, कीटाणु लगते हैं, क्या कहते हैं खून चूसने वाले, वो नहीं लगेंगे और ये साफ भी हो जाएगा और मतलब इसको रिएक्शन करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो आप डिटोल का लिक्विड लिक्विड फॉर्म में आता है, आप पिक के दो माध्यम से भी आप देख सकते होंगे क्योंकि स्क्रीन पे मैं पिक भी लगा चुका हूँ, तो उससे आप देख कर सकते हैं। पूरे शरीर को बढ़िया से पोंछ दे, मुंह आंख नाक पैर पंजे सब पोंछ दे। पोंछने के बाद आपको बढ़िया से इसको मतलब तरीका से लगा देना है, इससे आपको फायदा होगा, नुकसान कहीं से नहीं होगा। और उसके बाद आप कुछ देर तक वेट करें, अगर बकरी शायद अगर दूसरा बच्चा देगी तो वो दे देगी कम से कम, तो मतलब कभी कभी बकरियां क्या होती है 1 से 2 घंटा भी ले लेती है दूसरा बच्चा देने में। लेकिन अभी भी इसको मतलब एक बच्चा देने के बाद लग रहा है पेट में बच्चा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये बच्चा देगी क्योंकि एक ही बच्चा दी है, इतनी देर में ये बकरी टाइम उतना नहीं लेती है,
बच्चा दे दिया करती है, लेकिन एक ही मेरे को लग रहा है एक ही बच्चा देना है इसको। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा टीचर आईपी से इसके नाभि पे आराम से लगा देंगे, क्योंकि बच्चा दी थी तो नाभि तो टूट गया था। तो जरूरी नहीं है कि अगर काटेंगे तो ही बांध सकते, बांध भी सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो टीचर आईपी से नाभि टूट गया था तो टीचर आईपी इसके नाभि पे लगा देंगे, बढ़िया से मतलब चुआ देंगे। मतलब चुआने से क्या होगा कि टीचर आईपी से इसका जो नाभि है वो सूखने के मतलब सूखना चालू हो जाएगा और बैक्टीरिया इस पर आक्रमण नहीं करेगा, और जो भी बीमारी है तो नाभि द्वारा ही इनके शरीर में जाता है तो वो नहीं जाएगा। तो टीचर आईपी से इसको बढ़िया से लगा दे। लगाने के बाद ये देखिए अभी तुरंत ये खड़ा होना चालू हो गया, भागना चालू हो गया। ये भी बड़ा शरारती है। और थोड़ा सा हम इसको मुंह में गुड़ चटा देंगे, जैसे गुड़ इस चटा देंगे तो क्या होगा, जो भी मुंह में इसका ये लार्वा जो चलेगा तो लार्वा से इसका क्या कहते हैं क्लियर हो जाएगा। और रही बात यह है कि गुड़ खाने से दूध पकड़ने में आसानी होगा। अब जो थोड़ा बच्चा बचा हुआ है तो बकरी को भी हम लोग चटा दे रहे हैं, क्योंकि ये बकरी गुड़ खाने में ज़्यादा ही माहिर है। दूध इसके पास है, दूध की कमी नहीं है, क्योंकि दूध इसके पास है। पहले भी हम इस बकरी पे वाच कर चुके हैं और पहले भी देख सके इसको हम देख चुके हैं कि दूध है इसके पास, दूध की कमियां नहीं है। कम से कम बच्चे को पिलाने के बाद भी 1 लीटर तक दूध ये बकरी दे देती है, ब्लैक बंगाल की बकरी है। और यहाँ पे हम पोटासियम परमैंगनेट का एक घोल बना रहे हैं, क्योंकि इसका थन को भी साफ करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बाड़े में रहती है तो बैक्टीरिया और कीटाणु आक्रमण करते होंगे जहाँ तहाँ मतलब बैठती है। तो और रही बात यह है कि मेरा बाड़ा तो दूषित पहले से ही है, इसलिए कि भाई बकरी तो कहीं भी पेशाब करती है, कहीं भी मैगनी करती है। तो हम भले हम बाड़े की सफाई करते हैं, या फिर बाड़े की सफाई करने के साथ साथ हम चूना पाउडर भी छींटते हैं, कभी कभी ये पोटासियम परमैंगनेट का घोल का भी छिड़काव करते हैं, कभी कभी मतलब इसमें जो कीटाणु मार्क दवा है जो उसका भी छिड़काव करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहने मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ये बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि इसके कीटाणु आक्रमण करेगा ही करेगा। तो हमको इसके थन को बढ़िया से धो देना है बच्चे को दूध पिलाने से पहले, और एंटी क्लॉक घुमा के थोड़ा सा दूध हम जो है थन से नीचे निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो छिद्र है वो खुल भी जाएगा और बकरी जो बच्चा पीने में बकरी के जो बच्चे को पीने में आसानी होगा और दूध तुरंत उतर जाएगा। तो हमने एक एक धार जो है जमीन पे हम ये क्या कहते हैं गिरा देते हैं, और गिराने के बाद उसको बच्चे को पिलाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा दूध पिए। लो देखिए दिमाग में सबके ये भी आता है कि एक चीज जान ले कि गांव घर में एक प्रथा चली आ रही है कि जब तक बकरी जर ना हारे तब तक दूध ना पिलाए बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रथा के हिसाब से हमें नहीं चलना है। बकरी जर हारे या ना हारे हमें पहले ही उसको दूध पिला देना है, बाद में जर हारते रहेगी। ये जान ले कि माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है बकरी के, वो उसको खीस भी कहते हैं और फेनुसा भी कहते हैं। उसका रंग जो होता है वो पीला होता है, तो वो बच्चे के लिए अधिक कोलेस्ट्रॉल लेके आया है, और कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और बच्चा सरवाइव करने में उसको आसानी होगा। तो ये आसानी होगा, और पहला जो वैक्सिंग जो होता है माँ का पीला गाढ़ा जो दूध है वो उससे होता है। पीला गाढ़ा दूध से ही पहला वैक्सिंग होता है बकरियों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 3 महीना से पहले हमें तो वैक्सिंग करना नहीं है, और बीमारियों से लड़ने से सहायक होता है। और प्लेसेंटा बाहर आए या ना आए, आप 2 घंटा के अंदर बच्चे को पीला गाढ़ा दूध जो है वो माँ का उसको पिला दे, और पिला देने से उसको सर्वाइव करने में आसानी होगा। और क्या कोई कुछ भी बोले, आपको ये नहीं करना है कि दूध ना पिलाए, आप दूध पिला दें। और साथ में दूध हाँ वगैरह पिलाने के बाद बकरियों बकरी को देख ले कि दूसरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, उसके हिसाब से आप आधा घंटा 1 घंटा वेट कर सकते हैं। अगर देना होता है तो दे देगी, और नहीं देना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बकरी बच्चा नहीं देगी। हमने वैसे क्या छू के भी ट्राई किया तो दूसरा बच्चा नहीं है। तो उसके बाद हम क्या है कि हेक्सापार ये जर गिराने की दवा है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है और हर जगह ये अवेलेबल हो जाता है। गाय भैंस को भी दिया जाता है प्लेसेंटा गिराने के लिए, और बकरी को भी दिया जाता है।
तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए 20 ml क्या कहते हैं जड़ गिराने की दवा जो है वो हम इसको पिला रहे हैं, और पिलाने के बाद इसको आराम से धीरे धीरे इसके मुंह में चला गया है या इजीली इसको इजी हो जाएगा कि प्लेसेंटा ये आसानी से गिरा दे। उसके बाद हमें इसको दोबारा जो हम देने वाले हैं वो है गुलका बूस्ट। गुलका बूस्ट भी अभी क्योंकि ये बच्चा दिए तो जाहिर सी बात है वीकनेस तो होगा ही होगा और कमज़ोर भी हो रहेगी और ब्लड वगैरह तो बाहर आया है, तो उसको मतलब क्लियर करने के लिए हम इसको गुलका पुष्ट जो दे देंगे 20 ml गुलका पुष्ट दे देंगे। इससे इसको ताकत आएगा और मतलब इसका एनर्जी को बूस्ट करेगा और इसके अंदर एनर्जी पावर आएगा और ये मतलब दूध बढ़ाने में भी सहायक रहता है, तो इसको हम 20 ml गुलका पुष्ट दे देंगे। ये भी आसानी से मिल जाता है, वैसे अगर देखा जाए तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग अपना उड़ीसा में पूरी में इसका है, तो अपने एरिया में भी आसानी से मिल जाता है, आपके एरिया में भी क्या कहते हैं मिल सकता है। अगर गुलका पुष्ट ना मिले तो कोई भी एनर्जी बूस्ट वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाता है तो हम इसको यूज करते हैं, इसका रिजल्ट भी बेहतर है इसके नाम से। तो हमें इसको 20 ml गुलका पुष्ट भी इसको आराम से हम दे देंगे और उसके बाद इसको आगे जो है आप भी इस तरह पिला सकते हैं, और जो बचा हुआ जो आप छोटा सा बर्तन में जो निकाले थे उसको आराम से आप रख सकते हैं वापस बर्तन में, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और इसलिए कि छोटा मुंह था और छोटा मुंह में के अंदर तो जाना ये सीरीज में आना संभव नहीं था, तो इसीलिए हमने दूसरा बर्तन में निकाल के जो बचा था वो हम वापस रिटर्न इसमें रख रहे हैं। उसके बाद इसको हम दो चार चार बूंद जो है लीडम पाल देंगे। देखिए आप मैं जो भी करता हूँ उसका मैं पिक जरूर लगाता हूँ, और पिक इसलिए लगाता हूँ कि आपको हर चीज़ को समझने में आसानी हो जाए। तो माँ को हम 5 बूंद दे देंगे लीडम पाल और छोटे बच्चे को 2 से 3 बूंद दे देंगे, तो इससे क्या होगा इसको टीटी होने के खतरा से बहुत तक हद तक हमको क्या इसको बचाव हो जाएगा। तो लीडम पाल का भी आप यूज कर सकें, जो जो हम करते हैं वो उसका पिक मैं जरूर लगाता हूँ, इसलिए लगाता हूँ कि आपके लिए आसान हो जाए। और उसके साथ साथ अब हम इसको काढ़ा पिलाएंगे क्योंकि बच्चा दी है, तो काढ़ा में हम गुड़ हल्दी और अजवाइन, गुड़ लेंगे 50 से 100 ग्राम, हल्दी 2 चम्मच और अजवाइन 20 से 25 ग्राम, इस तरह करके 1 लीटर पानी में हम बना के इसको पिला देंगे। आप तो इतना ही बोलते हुए अब देखिए पी नहीं रही है और पिएगी क्योंकि अभी इतना स्ट्रेस में तो नहीं है तो इसलिए नहीं पी रही है, और इसको प्यास नहीं लगाओ तो पी लेगी, हम बना के रख दिए हैं पिएगी। अब रही बात यह है कि मान लीजिए आप इस तरह कर सकते हैं और आसान तरीका से आप डिलीवरी करवा सकते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।